अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत है? तुम खैरियत से हो ना? पर हाँ, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें घर से निकाल दिया। ये तो होना ही था मामू, पर अफसोस मुझे इस बात का है कि उस डीडी पटेल की बेटी रोशनी पटेल बच गई। खैर, बहुत जल्द मैं उस घर में वापस जाने की सुरंग ढूंढ ही लूंगी। माँ बेटी को क्या लगा कि वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेंगी? तो फिर वो शायद मुझे आज तक जानती नहीं है कि शबनम किस मिट्टी की बनी है। वैसे उस घर में जाने की एक सुरंग है, और वो सुरंग बनाने में वो बुढ़िया मेरी मदद करेगी। उस बुढ़िया के लक्षण देख लिए हैं, मैं उसी के गुस्से को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करूंगी और उस डीडी पटेल के घर वापस पहुंच जाऊंगी। वो बुढ़िया मुझे जितनी चोट पहुंचाएगी, मैं उतना ही डीडी पटेल के घर के करीब पहुंचती जाऊंगी। डीडी पटेल अगर सांप है तो वो बुढ़िया सीढ़ी, और पासा फेंकूंगी मैं। पर मुझे अब बस एक ही बात का ख्याल रखना है कि मुझ पर कोई शक ना करे। हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैंने तुम्हारी अम्मी को अपनी बहन बोला था, लेकिन वो डीडी का पति और तुम्हारा बाप उसे खत्म कर दिया। अब तुम्हारा मकसद अपनी अम्मी का और मेरी बहन का इंतकाम लेना है, बस। इंतकाम तो मैं लूंगी मामू, क्योंकि उस डीडी पटेल के चलते मेरी अम्मी आज हमारे बीच नहीं है। उसी की वजह से मुझसे मेरा सब कुछ छीन गया, सब कुछ तबाह हो गया। उसी की वजह से अब्बू अम्मी को कभी खोजने वापस नहीं आए। आज मैं खुद से ये वादा करती हूँ कि मैं उस रोशनी पटेल से उसका सब कुछ छीन लूंगी, एक एक करके उससे उसकी सारी खुशियां छीन लूंगी। उसकी खूबसूरत फैमिली, उसकी वो माँ और उसका वो पति सिद्धार्थ खुरा, सब कुछ छीन लूंगी मैं उससे।